असर तो दिखाई दे रहा है, अगर असर नहीं दिखाई देता तो उसकी यात्रा रोकने की कोशिश क्यों होती, और यात्रा रोकने की कोशिश इस बात का सबूत दे देती है कि सरकार भयभीत है। लेकिन इतना भयभीत है और क्यों भयभीत है और अब इस भय को मिटाने के लिए कौन सी चाल चलने वाली है इसका पता नहीं चल पा रहा है। तो इनके पास जो हथकंडे हैं और ईडी के और बाकी चीजों के डंडे हैं उनके बल पर सरकारों का भी निर्माण हो रहा है। तो आशा तो यही लगती है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सामान्य जन में दिखाई दे रहा है और सामान्य जन जो है वो परिवर्तन चाहते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम देश में कुछ होने वाले बड़ी घटनाओं के बारे में, बड़ी खबरों के बारे में जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इन हालात को किस तरह से देख रहे हैं। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जा चुकी है और अब तक जिस किस्म की बातें राहुल गांधी ने की हैं, जिसमें खास तौर पर दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां अगर मुतबादिल नज़रिया अल्टरनेट विजन देकर के मिलकर के लड़े तो बीजेपी को हराना मुमकिन है, ये एक बड़ी खबर थी। उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने भी तकरीबन इसी किस्म की बात कही। उधर शरद पवार जी ने, एनसीपी के प्रेसिडेंट ने अपने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में न सिर्फ भेजा बल्कि कांग्रेस की उन्होंने एक तरह से सराहना भी की, राहुल गांधी की सराहना की कि ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही अहम है और जरूरी है। इस सब का क्या कुछ असर होने वाला है आने वाले इस साल? 10 राज्यों में स्टेट असेंबली के इलेक्शन है और उसके बाद अगले साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है जो बहुत ही अहम है। इस पर अपोजिशन पार्टियां अगर एक साथ आ जाएं काफी हद तक तो बीजेपी को हराया जा सकता है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी से उनका ताल्लुक है लेकिन अपनी बात बहुत ही बेबाक अंदाज में रखते हैं, नागपुर में रहते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस यात्रा को और इसके सियासी असर को किस तरह से देख रहे हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है इस भारत जोड़ो यात्रा का असर, क्या कुछ होने की उम्मीद है मुल्क की सियासत पर? हाँ, आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए काजमी साहब, मैं आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता हूं। मैं भारत जोड़ो यात्रा को उसी नजर से देखता हूं जिस नजर से हम भारत की खुशहाली को देखना चाहते हैं, भारत के नागरिकों के अंदर प्रेम को देखना चाहते हैं। नारा बहुत अच्छा है, नारा जब सहारा बन जाए तो मुसीबत की नारा ले लेती है, लेकिन ये नारा भाई नफरत छोड़ो और दिल भारत जोड़ो अगर इस तरह का नारा है, काम भी चल रहा है और आपने बताया भी कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने इस यात्राओं का स्वागत किया और एक पार्टी जिसको इस यात्रा से नुकसान है और जिसको नुकसान होगा वो इसका स्वागत कैसे कर सकता है और न इसे सराह सकता है। रह गई बात कि इन सारी चीजों को आप एक चीज से जो जोड़कर देखना चाहते हैं, इस यात्रा का भारत की राजनीति पर क्या असर होगा, तो भारत की राजनीति पर अगर असर देखा जाए तो हम बड़ा अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि जिस पार्टी की जमानत जब्त होने के आशाएं दिखाई देती हैं कुछ ऐसे नाटक हो जाते हैं कि वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। कुछ लोग झूठ को इतना सच मान लेते हैं कि एकाएक उसके तरफ करवट बदल देते हैं। कुछ लोग ये कहते हुए चले जाते हैं कि जाने तो यार कुछ भी है मगर अपना है, यानी इस तरह का हिंदुत्व की बात को ला करके रखते हैं, जात पात भेदभाव की बात को ला कर रखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के चलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अरे छोड़ो यार कुछ नहीं कर रहा है, महंगाई है, उत्पीड़न है, अराजकता है, सारी चीजें हैं लेकिन मुसलमानों को सबक तो सिखा रहा है। जैसा कि आपके ही एक एपिसोड में एक बात चला था,
चीज को मैंने सुना था, देखा था, मुझे भी उस बारे में सोचने का बड़ा मौका मिला कि मुगलों के अत्याचार का बदला हम मुसलमानों से ले रहे हैं, या अगर मुगलों के अत्याचार का बदला ये मुसलमानों से ले रहे हैं तो बाकी का बदला किससे लेंगे, कौन सी चीजों से लेंगे, कहां से लेंगे, ये बड़ी अलग अलग बातें आती हैं। तो राजनीति आप जानते हैं ना कि जिस तरह से मकान बनाने में ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट रेत ये वो मजदूर उद्दूर सारी चीजें लगती हैं, इस राजनीति में भी सद्भावना भावना दुर्भावना और लोगों को सताना उचकाना लड़ाना ये सारी चीजों को जोड़ा जाए तो भारत की राजनीति पैदा होती है, ये आप समझ लीजिएगा। पहले में आज में फर्क है, पहले वो नेता बनते थे जो जनता के बीच में रहते थे, जनता के लिए लड़ते थे, जनता को जगाने की बात करते थे और जनता के समस्याओं पर लिखा पढ़ी करते थे, वो नेता बनते थे। लेकिन आज ये तीनों गुलाम हो गए हैं, माइक वर्कर, फील्ड वर्कर, ब्रेन वर्कर, ये तीनों के तीनों जो है फाइनेंस वर्कर पूंजीपति के गुलाम हो गए हैं। आप जो देख रहे हैं इस देश में पूंजीपतियों ने क्या क्या नहीं कर दिया, आपके जुबान पर ताला भी लगाने का काम पूंजीपतियों ने कर दिया, आपकी पूंजी को अपने पॉकेट में समेटने का काम भी पूंजीपतियों ने कर दिया। अब ये जब जो चीजों को आप देख रहे हैं तो ऐसे में एक यात्रा जो यात्राओं का ये देश रहा है, यहाँ दांडी मार्च भी हुए हैं, यहाँ तो आपको मालूम है राम मंदिर के लिए भी रथ यात्रा निकली है, यहाँ पर तो आज चार जो स्वामियों के यानी हिंदू धर्म के धर्माचार्य के पीठ बने हैं उनके लिए भी यात्राएं निकली हैं। यात्राओं से लोगों के अंदर एक बात जा रही है काजमी साहब, एक बात ऐसी जा रही है कि जिन्हें ये पप्पू बोलते थे कुछ भी बोलते थे, एक वो छवि निकल गई। अब वहां छवि आई है कि राहुल को भारत से प्यार है, राहुल जो है अब भारत के लोगों के लिए सोच रहा है, राहुल जो है लड़ने वाला नेता है, भागने वाला नेता नहीं है, राहुल झुकने वाला नहीं है, टूटने वाला है, राहुल के अंदर जो है सहनशीलता भी है, उदारता भी है, और रह गई एक बात कि भाषा की कमजोरी है, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए व्यक्ति का आप जानते हैं हिंदी से कितना प्यार रह जाता है, कितना बोल पाता है, केवल वो उसकी थोड़ी सी कमजोरी है, वरना वो भारत के अंदर आज अपने कार्यों के जरिए ये छवि तो पैदा कर दिया है कि हम भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, भारत का भाईचारा देखना चाहते हैं, भारत की धर्मनिरपेक्षता संविधान को बचाकर चलना चाहते हैं, ये सारी चीजों के तरफ उसका ध्यान है। और यही कारण था कि हमारे नेता बीमार पड़ गए, वरना अगर वो बीमार नहीं होते तो वो खुद उस यात्रा में जाने वाले थे, मगर उन्होंने राष्ट्रवादी के प्रदेशाध्यक्ष को भेजा, अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भेजा, पार्टी के एक नेता हमारे हैं जितेंद्र अवार्ड उन्हें भी भेजा, आप अपने भतीजे को भी वहां भेजे जिसका जहां तक मेरा नाम है कि रोहित पवार, वो भी वहां गए हुए थे, तो सराहना तो सभी कर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो नई बात आई वो ये बात कि भाई हम मिलजुल करके लड़ेंगे तभी हम मुकाबला कर सकते। देखिए आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी को भी हराने के लिए 1975 में सारी पार्टियां एक जगह आई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो आज बनी है उस वक्त वो जनसंघ थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। वो जब मर्ज हुई तो हमारा जो है पार्टी का नाम जनता पार्टी बना था, और वो जनता पार्टी में से ये बाद में अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी बनी। तो उस समय बड़े बड़े नेताओं का कहना था कि बड़े शैतान को मारने के लिए छोटे शैतान से दोस्ती करनी पड़ती है, यानी भाजपा की दोस्ती पर ये सब बातें समाजवादी नेताओं ने कहा था। आज की स्थिति यह देखी जा रही है कि मोदी जी जनमानस में उतना मजबूत नहीं है, मगर सरकारी तंत्रों के द्वारा भय फैलाने में इतना मजबूत है कि पूरे भारत के
जो लोग राजनीति में हिस्सा लेकर के अगर छोटी मोटी कमाई करके रखे हैं, ये सारे के सारे भयभीत हैं उनके ईडी से, उनके सीआईडी से, और नतीजा ये है कि वो भय उन्हें भाजपा में डाल दे रहा है, क्योंकि भाजपा अब कह दे धार्मिक स्तर पर मैं गंगा का तुलना तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग जो कहा करते हैं कि वो वॉशिंग मशीन हो गई है, जो उसमें जाता है वो धुल के आ जाता है, तो ऐसी चीजों से यानी लोकप्रियता इतनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि वो चुनाव जीत जाए, लेकिन भय इतना उसने उत्पन्न किया है कि आज सभी लोगों को एक साथ मिलकर इससे मुकाबला करने की बात सोची जा रही है। और निश्चित रूप से मगर आपने उसके बीच में छोटे छोटे नेताओं की बात नहीं सुनी क्या? राहुल के इस बयान के बाद जय राम ने क्या कहा सुना आपने? कि हम 200 सीट ही लड़ पाएंगे, 200 सीट ही लड़ पाएंगे, समझ लीजिएगा। अरे भाई 200 सीट ये नहीं, सत्ता से उस पार्टी को बेदखल करना है जो देश को ही खतरे में नहीं डाला है, देश के संविधान को खतरे में डाला है, देश के धर्मनिरपेक्षता स्वरूप को खतरे में डाला है, देश के इंसानों को खतरे में डाला है, और ऐसे सत्ता को हटाने के लिए 200 150 300 ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। बात जब भारत जोड़ने की है तो जो भारत बचाना चाहते हैं उन पार्टियों को भी जोड़ करके आपको चलने की बात सोचनी चाहिए। रह गई बात कि जो आपके जहन में है कि ये सकारात्मक है पहल, कि नीतीश कुमार उसी बात को बोल रहे हैं जो राहुल बोल रहे हैं, उसी बात को तायिद कर रहे हैं शरद पवार जो राहुल बोल रहे हैं, उसी बात के नजर में नजर मिलाकर बात कर रहे हैं संजय राउत जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, तो हर दल के अंदर अगर ये बात जा रही है तो हर दल को अपनी कुर्बानी की बात सोच लेनी चाहिए और सोचने के बाद ही इस बात को लेके आगे बढ़ना चाहिए। रह गया कि हम इन बातों से थोड़ा सा बड़ा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि आज जनता से सरकार नहीं बन रही है, आज ईवीएम से सरकार बन रही है। ईवीएम के भी कई मामले आपने देखा होगा, हमने सुना लेकिन देखा नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम के मामले में जो गुजरात का मामला गया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की भी बात क्या करें, आप नोटबंदी ये बंदी, अरे भाई पांचों या तो एक साथ हो जाते और पांच चार और एक हुआ, मतलब यह है कि चार उस विचार में नहीं जा सके जो विचार एक ने सोचा था, और दूसरा ये कि अब उससे हम कर ही क्या सकते हैं, जो हो गया वो हो गया, ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन नहीं, न्याय न्याय होने जैसे अब दिखे, यह बात भी लोग कहते हैं कि लोगों को लगे कि न्याय न्याय जैसे हुआ। अभी आपने पूछा कि 10 जगह चुनाव होने वाला है, यह चुनाव विधानसभा का है, और आपको मालूम है कि बहुत सी पार्टियां अभी कैंडिडेट ढूंढेंगी, योजना बनाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योजना भी बन चुकी है, उनके कैंडिडेट भी अपने आप चुने जा चुके हैं, और उनके पास आपको मालूम है राजनीतिक बांड के इतने पैसे हैं कि उनको फाइनेंस के लिए भी जरूरत नहीं है, तो आजकल तो आप जान रहे हैं टका धर में टका कर में टका का चित है, हाँ, संस्कृत का श्लोक है कि टका धर में टका कर में टका यद कचाइते, ना टका टक टके टक टका टक टकाइते, सर्वे सर्वे पैसा सब कुछ है, जहां पैसा है वहां सब कुछ है। तो ये स्थिति को देख करके, जनमानस की भावना को देखकर लगता है कि सरकार जहां भी है, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, केंद्र की सरकार से लोग नाराज हैं, इसका बेनिफिट विरोधी पक्षों को मिलेगा, लेकिन जहां की बातें हैं आप कैसे लेंगे, आप खुद सोच लीजिए। पिछले चुनाव में हमारे मध्य प्रदेश ने हरा दिया मगर उन्होंने सरकार बना लिया, कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी फिर भी उन्होंने सरकार बना लिया, तो इनके पास जो हथकंडे हैं और ईडी के और बाकी चीजों के डंडे हैं उनके बल पर सरकारों का भी निर्माण हो रहा है। तो आशा तो यही लगती है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर सामान्य जन में दिखाई दे रहा है और सामान्य जन जो है वो परिवर्तन चाहता है। अच्छा, आपने दो तीन बातें कहीं बहुत ही अहम,
एक तो ये कि बीजेपी के पास पैसा है, उनके पास सरकारी एजेंसियां हैं डराने के लिए, ईवीएम है, ये सारी चीज़ें बहरहाल बहुत ही अहम है जिनकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन एक चीज़ और जो डर वाली बात आपने कही कि लोगों के लोग डरे हुए भी हैं, तो शायद ये एक एक नफ्सियाती सिचुएशन होती है कि खौफ जो है वो अपने आप में इंसान को बहुत कमज़ोर कर देता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी डट करके सामने आए हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी, बहन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने तकरीर में भाई और बहन की बात भी कही है। प्रियंका गांधी ने लोनी में तकरीर करते हुए कहा भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कि अंबानी अडानी ने सारे पॉलिटिशियंस को खरीद लिया, पीएसयू को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, लेकिन वो मेरे भाई को नहीं खरीद सके, वो ये कर ही नहीं सके कि वो राहुल गांधी को खरीद सके। तो ये इस और उन्होंने ईडी का भी जिक्र किया और धमकियों का भी जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि इससे और लोगों की भी हिम्मत बंधेगी? क्योंकि ये एक एक साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा होता है जब डराया जाता है। अगर डर से बाहर निकल के आ जाए कोई तो फिर उसे कोई नहीं डरा सकता। तो उससे कोई फायदा होगा राहुल गांधी के इस अपने आप को मजबूती से खड़ा करने से? देखिए काजमी साहब, शब्दों के प्रयोग का बहुत अर्थ होगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे भाई को नहीं खरीद सके, मीडिया खरीदे, ये खरीदे, वो खरीदने की बात के जगह डराने का शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि मेरे भाई को डरा नहीं सके, अपने कदमों में झुका नहीं सके। ये बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि खरीदने की बात जब आती है तो इसका मतलब कि आदमी मार्केट में बैठा है और खरीदा नहीं गया है, या बिकने को तैयार नहीं है, ये एक अलग बात होती है। बात यह थी कि जिस तरह से उसके यात्रा को रोकने की साजिश की गई, याद है आपको, जिस तरीके से बाद में कोरोना का नाटक लगा के भी उसके यात्रा को रोकने का नाटक किया गया, यानी महाराष्ट्र में उसके ऊपर गुनाह दर्ज करके भी उसको रोकने का नाटक किया गया, तो ये कह देना वो बड़ा उचित होता कि मेरे भाई की हिम्मत को न डगा सके, न झुका सके, न डरा सके, तो ये बात का बड़ा अच्छा मानी जाता। उन्होंने ईडी वगैरह का भी जिक्र किया कि डराने के लिए उन्होंने सरकार ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो डरे नहीं और वो बिके नहीं, तकरीबन दोनों बातें उन्होंने एक तरह से कही। ठीक है, अब रह गया ये कि असर दिखने का। देखें, उत्तर प्रदेश में गए हमारे यहाँ, मैंने आपको इससे पहले अभी अभी आपको उत्तर में मैंने बता दिया कि चुनाव बड़ा घालमेल का हो चुका है, कैसे होगा, अदाकार, मक्कार, गद्दार सब है, आमदार, आणी खासदार, ये मराठी के शब्द है, मराठी में कहते हैं आमदार कहते हैं, मेले को खासदार कहते हैं, एमपी को, तो मराठी में बोला जाता है आमदार खासदार, ये सब बसरते ही है कि मालदार पैसा है तो ये बन जा रहे हैं, वोट खरीद ले रहे हैं, जनता को खरीद ले रहे हैं, बदमाश को खरीद ले रहे हैं, मीडिया खरीद ले रहे हैं, और बाकी जो बिकने को तैयार है सब खरीद ले रहे हैं। और ऐसे में असर तो दिखाई दे रहा है, अगर असर नहीं दिखाई देता तो उसकी यात्रा रोकने की कोशिश क्यों होती? और यात्रा रोकने की कोशिश इस बात का सबूत दे देती है कि सरकार भयभीत है। लेकिन कितना भयभीत है और क्यों भयभीत है और इस भय को मिटाने के लिए कौन सी चाल चलने वाली है, इसका पता नहीं चल पा रहा है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। आपने देखा ना 2019 का जो चुनाव आपने देखा लोकसभा का, केवल एक एक झूठी कहानी हमारे यहां शहीदों के साथ जोड़ दी गई और जान ले लिया गया और पासा बदल गया, महंगाई भी भूल गए, अराजकता भूल गए, बेरोजगारी भूल गए, बेकारी भूल गए, उत्पीड़न भूल गए, तानाशाही भूल गए, सब भूल गए, तनपैथी गेन कर गए। ऐसा होता रहता है क्योंकि वो किस तरह से है, क्या करने वाला है, वो अब तक पता नहीं है, लेकिन जनमानस इनके कार्यकालों से परेशानी में है, तकलीफ में है,
गुजरात की जीत इनका मनोबल बढ़ाकर रखा है, लेकिन आप कहेंगे कि हिमाचल की हार तो लोग ये कह देंगे वहां तो एक बार ये एक बार वो आते ही जाते रहते हैं, तो ये सब बातें चलती हैं। लेकिन वो ये बात का दलील है कि मोदी जी की हवा जो है वो हिमाचल में नहीं चल सकी, और गुजरात में जो हुआ वो हुआ, उसके कई समीकरण हैं काजमी साहब, और उन समीकरणों पर अगर आप नजर डालेंगे तो जैसे कुछ होता है तो लोग कहते हैं यार जाने दो ना, सरकार को खरीद लेता है, नेता खरीद लेता है, इसी को वोट दे दो, जाने दो, क्यों हम दुश्मन बनने जाएं, या तो दे दो नहीं तो देने मत जाओ। तो नहीं देने जाने वालों के भी वोट गुजर जा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो क्या करेंगे आप। अच्छा आप नागपुर से हैं, और वो जो कुछ बीच में खबरें आ रही थी कि शायद बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सोच पनप रही है, और कुछ लीडर्स को हटाया भी गया कुछ जगहों से, खासतौर पे आपके यहाँ के नितिन गडकरी जी को, और राजनाथ सिंह और मोदी जी कभी साथ आम तौर पर नजर नहीं आते, इस किस्म की चीजें भी लोग चर्चा में हैं। आपको क्या लगता है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ते हुए कम या ज्यादा अपोजिशन के साथ का साथ आना, और खुद बीजेपी के अंदर कुछ इख्तलाफ जिनके बारे में इशारे मिलते रहते हैं, ये दोनों मिलाकर के कहीं 2024 पार हो जाएगा, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्या 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 कुछ है अंदाजा? देखिए सबसे बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात जो आपने कहा है, यह चाल है, और जो चाल को सभी समझ नहीं, लोगों ने यह देखा कि मोदी जी 14 में जो बन गए, उस समय भी भाजपा के दो दल थे, दो गुट था, एक गरम दल था एक नरम दल था, एक आदमी काम पर भरोसा करता था और एक आदमी जातिवाद पर भरोसा करता था। आज वही है, गरम दल जो है वो मोदी के साथ है, नरम दल हमारे यहाँ के नेता और दो चार नेताओं के साथ, और आरएसएस जो गोटी खेल रही है वो दोनों तबला पर हाथ रखे हुए है, वो मोदी को भी छेड़ना नहीं चाहती है और नितिन गडकरी को भी छोड़ना नहीं चाहती है, समझ लीजिएगा। वो ये मानकर चल रही है कि 24 में किसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति जब पैदा नहीं होगी, और बड़ी पार्टी के रूप में अगर भाजपा रह जाएगी तो सरकार भाजपा के बनाने के लिए ये मुलायम हृदय के जो नेता है दो चार जो मोदी से खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से ही चाल चल दिया जाएगा और इनको ही सभी लोग तारीफ करते हैं। आपको मालूम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों ने बड़ी तारीफ की नितिन गडकरी की, तो हो सकता है कि ये सरकार बना ले और भाजपा की सरकार जिंदा रह जाएगी, मोदी की सरकार नहीं रहेगी, ये भी इसमें खेल खेला जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो लोगों को भाजपा भी ये समझ चुकी है कि हम पूर्ण बहुमत में नहीं आने वाले हैं, और आरएसएस को भी ये एहसास हो रहा है। आप देखेंगे आरएसएस से भी कुछ नेता ने भारत जोड़ो का तारीफ किया, आरएसएस के नेताओं ने भी किया और बहुत सी बातें की। तो ये बातों को देखने से जो आप शक पैदा कर रहे हैं वो होने वाला है, ये आप मानकर चलिए। ये हटाना निकालना क्या होता है कि कभी कभी आपको पता है कि हम अपने खास आदमी को घर से भगा देते, तो जितने हमारे दुश्मन होते हैं वो उसको अपना दोस्त समझकर गले लगा लेते हैं, अरे ये तो अपने दुश्मन का ये भेद बताएगा, कुछ और बताएगा, कुछ और बताएगा। और ये क्रिया जो है, ये क्रिया रावण और राम की लड़ाई में भी हुआ था, रावण ने विभीषण को भगा दिया था, राम ने अपना लिया था, तब ना विभीषण ने उनकी नाभि का पता दिया तो मारा गया था। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, जबकि आपको एक बात बता दूं, जब बात आ गई है तो रामेश्वरम में राम की पूजा भी रावण ने कराई थी पुरोहित बनकर, पुरोहित बनकर उसने पूजा कराई, सीता को बाजू में बिठा कर पूजा कराई। तो ये तो हुआ है और ये होता रहेगा। कारण ये है कि राजनीति में कबीर दास का वो दोहा कि चलती चकिया देख के कबीरा दिया रोय, दो पाटन के बीच में सुबहित बचे न कोई,
सरकार को ही बजा ले, जनता को दाल बनना है। लेकिन उसने आगे एक बात और कह दिया कि दो पाटन के बीच में एक खूंटी हो, खूंटी से चिपका रहे बाल नबाका होए। वो खूंटी भारतीय संविधान के अनुकूल चलो, देश के व्यवहार के अनुकूल चलो, मानव मानव के प्यार के अनुकूल चलो, तो तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ये भी कबीरदास ने कहा। तो राजनीति की चक्की में सामान्य जन और गरीब जन पीसे जाते हैं, हम चालाक लोगों ने तो अपना रास्ता बना लेते हैं, या जिसकी डफली उसका राग गा लेते हैं, सरकार बनी तो इधर चले जाते हैं, सरकार गिरी तो उधर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो 50% है वो अपने अस्तित्व को बचाकर चलने का काम। जी जी जी, बहुत बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आपने बात खत्म की, और मुझे इस पर एक बात याद आ रही है कि हमारे जानने वाले एक साहब थे, चूंकि पत्रकारिता में बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकातें होती हैं और जाहिर है मिलना जुलना भी होता है, तो मैंने एक साहब से कहा कि भाई हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये राजपूत हैं। तो वो बहुत हंसकर कहने लगे कि भाई राजपूत कैसे हैं? मैंने कहा साहब जिसका राज उसी के पूत। तो ऐसे लोग हमेशा होते हैं कि हर सरकार के साथ जुड़ जाते हैं अपने फायदे के लिए, बहुत कम लोग होते हैं जो नजरिए के साथ जीते हैं, और जो नजरिए के साथ जीते हैं वो मैं समझता हूँ वो बहुत ही मुतमईन होते हैं, और अपनी जिंदगी अपने अंदाज से जीना वो अपने आप में एक हुनर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।